क्राइम का गढ़ कहे जाने वाले नाला सोपारा में अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि तुरिंज पुलिस स्टेशन के अंदर एक शख्स ने एक वाहतुक पुलिसकर्मी के एक तमाचा जड़ दिया। जब यह सोचिए कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही पुलिसकर्मी पीट सकता है तो बाहर का नजारा क्या होगा। नालासोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन के अंदर एक युवक द्वारा पुलिसकर्मी की पिटाई कर उसका दांत तोड़ देने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि प्रवीण राणाड़े नामक वसई यातायात शाखा में कार्यरत एक पुलिस कांस्टेबल सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे नालासोपारा पूर्व में उड़ान पुल के पास ड्यूटी पर तैनात थे। उस समय शैलेश वाघेला नामक शख्स ने अपने मोबाइल फोन पर रिक्शे से राणाड़े का वीडियो बनाना शुरू किया, जिस पर राणाड़े ने उनका विरोध किया और कारण पूछा, लेकिन वाघेला ने राणाड़े को उसका जवाब न देते हुए उसे बुरा भला कहने लगे, जिस पर राणाड़े वाघेला को तुरंत पुलिस स्टेशन ले गए। वहीं जब पुलिस स्टेशन के अंदर राणाड़े थाने अमलदार को सच्चाई बता रहे थे, तब एक बार फिर से वाघेला ने राणाड़े को गाली दी और चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही वाघेला ने उनकी वर्दी खींचकर मुक्का मारा, जिससे राणाड़े का एक दांत भी टूट गया। अचानक हुई इस घटना से पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। वहीं थाने के अन्य पुलिसकर्मी बचाव में आए और राणाड़े को वाघेला की पकड़ से मुक्त कराया गया और आरोपी को हिरासत में लिया। इस मामले में तुलिंज पुलिस ने आरोपी शैलेश वाघेला के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने के आरोप के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब सोचने की बात यह है कि अब पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन में भी सुरक्षित नहीं है। मानो लोगों के जहन से कानून का भी भय समाप्त हो चुका है। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।